ये ट्यूटोरियल मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं सी लैंग्वेज के बारे में बताऊँगा और इसके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराऊँगा। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं पहले आंसर करना चाहूँगा। तो इसमें है कि व्हाई टू स्टडी सी एज़ द फर्स्ट लैंग्वेज। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई मतलब कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहता है, लेकिन और इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरा व्यू देखूँ इस पे कि अगर फर्स्ट लैंग्वेज सी क्यों हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जितने सारे कॉलेजेज हैं तो उसमें जो हम फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो हमें सी ही पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये बेटर रहेगा कि अगर हम पहले सी सीख लें तो बाकी जो लैंग्वेज है सीखने में ईजी रहेगा। एक और बात होती है कि जो सी, अभी बहुत सारे लैंग्वेज हैं जैसे पाइथन हो गया, सी, पाइथन बहुत ईजी है कंपेयर टू सी, तो वहाँ से भी बहुत लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले, सबसे पहले हमें सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सी जो है थोड़ा टफ है, लेकिन अगर और ये जो है फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार हमने अगर ये सी सीख लिया तो हमें आगे कोई भी लैंग्वेज सीखने में मतलब इतना इजी लगेगा कि बाकी अगर जैसे कोई हाई लेवल जो इजी वाला लैंग्वेज सीखते हैं जैसे पाइथन हो गया चाहे कुछ भी, तो उसमें क्या होगा अगर वो पहले सीख के हम बाकी लैंग्वेज सीखने जाए तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। लेकिन सी जो है अगर हमने एक बार सीख लिया तो आगे चल के हमें जावा सीखना हो, पाइथन सीखना हो, HTML, इवन कि जावा स्क्रिप्ट सीखनी है, तो ये सारे लैंग्वेज हमें इतने इजी लगेंगे कि मैं बता नहीं सकता। तो इसीलिए फ़ायदा ये है कि सबसे पहले हमें सी लैंग्वेज ही सीखनी चाहिए। बट फिर भी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब अगर आप किसी और लैंग्वेज से भी स्टार्ट करते हो तो मुझे उससे कोई इशू नहीं है। फिर भी हाँ, दूसरा क्या है कि हु कैन वॉच। मैंने अभी ये जो जितने सारे वीडियोस बनाए हैं तो ये किसके लिए है? तो इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं, इवन कि प्रोग्रामिंग का एकदम शुरुआती स्टेज में, अभी अभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और फर्स्ट डे ही गए, आपको पता चला कि प्रोग्रामिंग हम इन सी पढ़ना है, चाहे आप CS के हों, CS वाले को तो थोड़ा इजी लगता है, लेकिन अगर बाकी जो ब्रांच वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो मैं अभी जो जितने सारे वीडियोस बनाऊंगा तो ये सबके लिए है। इवन कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो है एकदम शुरू से और एकदम जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा और फिर बड़े से बड़े हम प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत आती है प्रोग्रामिंग तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम पढ़ते हैं, इवन कि प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो इंटरनली कैसे वर्क करता है ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो मैं उसे भी बताऊंगा कि ये कैसे इंटरनली वर्क करता है, जिससे आगे चल के हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कि हाउ टू वॉच। हाँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि एक जो आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वक्त है। जैसे बहुत लोग पढ़ते हैं कि इसमें दो तीन तरीके के लोग हो सकते हैं। एक जो पढ़ सकते हैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम उनको पास करना है क्योंकि वो किसी और ब्रांच के, एक होते हैं CS वाले स्टूडेंट, ये तो अदर, ये क्या हो जाएंगे अदर देन CS, उनके लिए बस ये क्योंकि एग्ज़ाम पास कर जाए काम ख़त्म। एक जो CS वाले हो गए तो उन्हें ये छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके इनका साथ जो है ये अब एक बार अब लग गया तो ये हमेशा के लिए उनके लाइफ में रहेगा, अगर जब तक वो CS फील्ड में रहना चाहें। तो एक वो हो गए। दूसरा एक होते हैं कि जो सीखना चाहते हैं, तो वो कि मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, तो वो CS वाले कैटेगरी में आ गए, भले वो किसी भी ब्रांच से हो, लेकिन उनका मेन मोटिव क्या है कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो उनको भी मैं ये ऐसा कंसिडर करूँगा कि वो CS की कैटेगरी में आएंगे। अब क्या है कि इसमें जितने सारे मतलब वीडियोज़ हैं तो उसमें मैंने ऑर्डरिंग किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो वीडियोज़ फाइंड करने में। तो जो फर्स्ट जो वीडियो मिलेगी आपको उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिलेंगी। उसको मैंने बताया कि किस उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद क्या है, या तो सेम वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, और उसके बाद अगर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें। तो अब क्या है कि अगर आपके पास एकदम कम वक्त है, और हो सकता है कि आप एक दिन पहले पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम कल है, आज आप पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या है कि अगर एकदम कम वक्त है तो आप बस ये कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियोज़ हैं उसको आप देखो। एग्जाम्पल वाले जो वीडियो ऑलरेडी मैंने, उसमें एग्जाम्पल से स्टार्ट होगा,
तो इससे पता चल जाएगी वो एग्जाम्पल है, तो उसमें और कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि उसमें कॉन्सेप्ट होंगे, कि वीडियो मिस कर दिया तो कोई नुकसान नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट वाले जो होंगे उसमें फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गया, सीधे पता चल जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ हैं, तो वो देखना है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी वक्त है अगर आपके पास, सपोज़ कि 1 वीक भी है, तो आप एक ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियो और जस्ट उसके बाद एटलीस्ट, मतलब मिनिमम जो है मिनिमम, ये एक देखना ही देखना है एक एग्जाम्पल। तो इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट हमें पता चल जाता है, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें उस कॉन्सेप्ट का जो मतलब जो पूरा क्लियर हो जाता है, कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती। अब क्या है कि उसको और अच्छे तरीके से समझना, जैसे आपके पास बहुत सारा वक्त है कि चाहे हाँ एकदम इसी में आपको ऐसा मतलब खुद का मोटिव है कि हाँ मुझे जो है एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, तो जितने सारे एग्जाम्पल हैं आप उसको देख सकते हो, क्योंकि वैसे आपको जो भी बुक हैं उसमें भी मिलेंगे, लेकिन मैं भी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल तो बहुत सारे होंगे, तो उसको आप देख सकते हैं, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बस इसमें 3 टाइप के वीडियोस होंगे, एक तो कॉन्सेप्ट वाले, एक एग्जाम्पल, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा, ये मतलब थोड़ा सा भी वक्त है ना तो ये मस्ट होगा, बाकी ये आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट और उसके बाद एक एग्जाम्पल ज़रूर दे के आप, ताकि ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा है कि ये तो हमने हो गया, हु कैन व्हाट इज़ द रिकमेंडेड बुक्स, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा बुक रेफ़र करते, चाहे आपके कॉलेज कौन सा रिकमेंड करता है, तो बहुत सारे कॉलेज हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे टीचर भी रिकमेंड करते हैं कि ये बुक लेके आओ, तो वो आप ख़रीद सकते हो। लेकिन फिर भी जो मैं रिकमेंड करूँगा तो 2-3 बुक हैं, एक है सी इन डेप्थ, उसके बाद है एक यशवंत कानेटकर की, कौन सी, हाँ टाइटल, हाँ लेट अस सी, तो ये हो जाएगी, ये नेम मुझे याद नहीं आ रहा, श्रीवास्तवा की होगी, हाँ श्रीवास्तव, शायद श्रीवास्तव, वैसे भी सी इन डेप्थ पता चल जाएगा। उसके बाद लेटेस्ट सी, वैसे भी सारे बुक्स के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप साइट से ले सकते हो, मतलब मैं 2-3 जो अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं उनके लिंक दे दूंगा ताकि इजीली मिल जाए, और नहीं भी मिला अगर एक भी साइट का लिंक है तो आप डिफरेंट वेबसाइट पर जाके आप उसका प्राइस कंपेयर करके ख़रीद सकते हैं। ये है यशवंत कानेटकर का। और तीसरा जो है ये सी, इसका बुक का नेम याद नहीं आ रहा कि क्या है, ये है डेनिस रिची का, वैसे भी हमें पता है कि जो जो हमारा जो लैंग्वेज के फाउंडर हैं वो डेनिस रिची ही हैं, तो इनकी भी बुक है। तो अब इसमें क्या है कि सी इन डेप्थ, लेटेस्ट सी जो है यशवंत कानेटकर, ये बहुत ही एक्सप्लेन वे में है और काफ़ी मोटी भी बुक है, तो आप इसमें एग्जाम्पल भी बहुत मिलेंगे, और सी इन डेप्थ ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं कॉन्साइज वे में है, और मतलब जितनी सारी हमें चीज़ें चाहिए वही है, और एक क्या बोल समराइज वे में बोल सकता हूँ कि काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से लिखी गई है। और डेनिस रिची ये थोड़ा एडवांस बोल सकते हैं या फिर मीडियम, हाँ मीडियम, अगर कुछ नॉलेज है तो आप ये बुक ले सकते हैं। फिर भी अब इस दोनों बुक में मैं रिकमेंड करूंगा कि सी इन डेप्थ ज़्यादा बेटर रहेगा, इवन कि मैं जो एग्जांपल कराऊंगा, जो एग्जांपल मैं इसमें वीडियोस में जितने सारे किए हैं तो मोस्टली जो है मैंने सी इन डेप्थ से लिए हैं, और कुछ लेट ये यशवंत कानेटकर से भी हैं, लेकिन सी इन डेप्थ मेरे मतलब मैंने ये तीनों देखी तो जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, वो डिपेंड करता है फिर कि आपको किस तरीके के मतलब अच्छी लग रही है लैंग्वेज चाहे कुछ भी, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लगा, और इसमें बहुत एक्सप्लेन मतलब डिटेल में एक्सप्लेन है, तो जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब है, वो डिपेंड करता है कि अपना पर्सपेक्टिव कैसा है देखने का, तो मुझे ज़्यादा अच्छी है श्रीवास्तव के लेके सी इन डेप्थ, फिर भी आपको ये तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर एकदम अच्छा डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप ये ले सकते हो, लेकिन ये बुक आप तभी लेना जब इसमें से कोई एक बुक या तो ये दोनों में से कोई एक आप अच्छे तरीके से समझ गए हो तो आप ये ले सकते हैं। फिर है कि हाउ टू लर्न ईजिली एंड स्टार्ट कोडिंग, हाँ ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोड मतलब पार्ट है क्वेश्चन का, कि आखिर कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो कोडिंग। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में बताऊंगा, उसके जस्ट बाद एग्जाम्पल, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया
तो वो जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी, क्योंकि सारा एकदम क्लियर है, तो उस वीडियो को आप पॉज करो जब एक्सप्लेन कर दिया, फिर खुद से राइट करने, मतलब राइट करने की कोशिश करो आप, देखना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया किस तरीके से लिखना है, तो फिर उसको आप लिखो, और फिर एक बार फाइनल आपने जब लिख लिया तो फिर आप इसको आप मैच करो मेरे वाले से। और ये भी नहीं बोल रहा कि सेम टू सेम हो सकता है, क्योंकि लॉजिक डिफरेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है, अगर आपका बस सिंटैक्स एरर नहीं आना चाहिए, बाकी लॉजिक कुछ भी हो, अगर आंसर आ रहा है सही तो बस आपका भी प्रोग्राम सही है। तो फिर क्या करना है, उसी वक्त प्रोग्राम को आपको रन करना है, वीडियो देखा, मेरा एग्जाम्पल देखा, फिर उसको रन किया। अब क्या है कि उसके बाद कुछ मोर एग्जाम्पल जो मैंने दिए, तो मोर एग्जाम्पल वो भी आप देखो, लेकिन उसको आप वीडियोज़ को देखने के बजाय आप बस क्वेश्चन देख लो, और फिर जैसे क्वेश्चन टॉप पे दिखा आप खुद से प्रोग्राम लिखो, और लिखने के बाद फिर उसको रन करो। उसके बाद मेरे वाले आप एग्जाम्पल देख सकते हो, और अगर आपका आंसर सही आ गया तो फिर एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं, आप वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। वैसे ही वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे ही रख रहा हूँ, ताकि पहले से ही मैं लिख के रख रहा हूँ कि टाइम भी बचे। उसके बाद क्या है कि अगर ये दोनों क्लियर हो गया, जैसे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लिया, एग्जाम्पल भी कर लिया, तो अब आपके पास जो बुक है उसमें आप क्या है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जितने एग्जाम्पल, मतलब जो जो जितना वक्त है आपके पास, उस हिसाब से उस एग्जाम्पल को देखो आप, और फिर उसे कंप्लीट करो। लेकिन हाँ, बस ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि आए वीडियो देखे और एक ही बार में पूरी सीरीज जो ख़त्म कर दी, तो इससे क्या होगा, समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। तो बेटर ये रहेगा कि एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो, और उसी के जस्ट बाद जो है उसका एक रिलेटेड प्रोग्राम कर लो, तो इससे क्या होगा कि जो सीखने बहुत ही इजी हो जाएगा, एकदम इजी लगेगा, और आप कोडिंग भी, मतलब हाँ, बहुत बेटर भी हो जाएगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जो शुरू करते हैं अपना प्रोग्रामिंग वाला।